हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। और आज हम वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फोर्थ अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, विच इज द मोदग्लियानी मिलर अप्रोच, विच इज आल्सो नोन एज एमएम अप्रोच। हमने तीन अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच। और आज हम करने वाले हैं एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच जो कि थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस है, और इस एमएम अप्रोच को एक इम्प्रूव्ड वर्जन कहा गया है एनओआई अप्रोच का, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। एमएम अप्रोच इज सिमिलर टू एनओआई अप्रोच व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड। यहाँ पर एक बात की गई है कि यहाँ इसको एनओआई अप्रोच के सिमिलर तो माना गया है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जब हम टैक्सेस को इग्नोर करते हैं तब, यानी कि जब यहाँ पर टैक्सेस को कंसीडर किया जाएगा तो इसका इफेक्ट थोड़ा अलग आएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन जब पूरे तरीके से हम टैक्सेस को इग्नोर कर देते हैं तब वो काफ़ी सिमिलर रहेगा एनओआई अप्रोच के, बल्कि सिमिलर नहीं, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। जहाँ पर एनओआई अप्रोच हमें ये बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कांस्टेंट रहता है, वहीं पर एमएम अप्रोच भी यही बोलती है कि इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इन दोनों चीज़ों पर, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन इस अप्रोच में दिया गया है, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ओवर द एनओआई अप्रोच, और इसको प्रोवाइड किया है इसका बिहेवियरल जस्टिफिकेशन कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगी, उसके बारे में हमको एमएम अप्रोच में बताया गया है। एनओआई ने सिर्फ एक डिफाइन कर दिया कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है उसको जस्टिफाई एमएम अप्रोच कहेगी। और इट जस्टिफाइज दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट एट एनी लेवल ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो। अब आपको ध्यान में आना चाहिए आपको एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच में हमने करा था कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म तो कॉन्स्टेंट रहेगी, और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। याद है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने का भी कारण क्या था कि फाइनेंशियल रिस्क जो हमारे ऑनर्स, हमारे जो शेयर होल्डर्स फेस करती हैं, उसके कारण वो डिमांड करती हैं हायर रेट ऑफ रिटर्न। इसके कारण जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डेट इक्विटी रेशियो कितना भी हो, कितना भी प्रोपोर्शन आप डेट का यूज करो, कितना भी प्रोपोर्शन इक्विटी का यूज करो, यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगी, और उसको जस्टिफाई किया गया है। अब कैसे जस्टिफाई किया है ये तो हम करेंगे ही, पर उससे पहले हम इसकी एग्जांपशंस पढ़ेंगे कि किस एग्जांपशंस पर ये अप्रोच बेस्ड है। पहला आता है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। यहाँ पर कैपिटल मार्केट को परफेक्ट माना है, इसका मतलब यहाँ किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। इन्वेस्टर्स यहाँ पर बाय कर सकती हैं, सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज, उनको किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि फर्म को नहीं करनी पड़ती, यानी कि जिस तरीके से जो फर्म टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करती हैं वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए होगा। कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये तो था कि कैपिटल मार्केट्स यहाँ पर परफेक्ट होने वाली हैं। जो सेकंड इसके एग्जांपशंस हैं कि जो रिस्क क्लासेस है फर्म की वो भी क्या होगी, होमोजेनियस होगी, यानी कि यहाँ पर जो फर्म का रिस्क को लेने का तरीका है वो आइडेंटिकल रहने वाला है, होमोजेनियस रहने वाला है, उनकी जो रिस्क करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी फर्म्स के सेम रहेंगे। थर्ड वन इज All investors have the same expectation of operating earning, यानी कि जितना भी उनका earning को लेके expectations हैं सारे के सारे investors की
वो भी सेम रहेगी। ये कुछ assumptions हैं। फोर्थ वन, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। इसका मतलब कि जितनी भी अर्निंग फर्म को मिलेगी फर्म रिटेन नहीं करेगी, फर्म सारी की सारी एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे देगी। यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स को खुश किया गया है कि आप सारी की सारी अर्निंग्स को आप डिविडेंड के फॉर्म में ले लो, ठीक है। फिफ्थ इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। जैसे कि बाकी हमने थ्योरीज में पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। तो ये थी एग्जम्पशंस। पर कुछ एग्जम्पशंस के अलावा कुछ बेसिक प्रोपोजिशंस हैं एमएम अप्रोच की जो इम्प्रूव वर्जन दिखाती है किसका, एनओआई अप्रोच का। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे एनओआई अप्रोच ही है, क्योंकि वही बातें तो एनओआई में भी कही थी, तो इसमें डिफरेंट क्या है, पढ़ते हैं। पहली बात जो इन्होंने की है वो कहा है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज टेकन एज अ होल। जितना भी जो भी वैल्यू है फर्म की उसको डेट और इक्विटी में स्प्लिट नहीं करा, जो कि एनआई अप्रोच करती थी, नेट इनकम अप्रोच करती थी, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम और एमएम अप्रोच ऐसा नहीं करती। वो वैल्यू ऑफ फर्म को एज अ होल लेती है। तभी तो ये कहा गया है कि जितना मर्जी डेट यूज करो, जितना मर्जी इक्विटी यूज करो, जो ओवरऑल कॉस्ट है फर्म की वो सेम आएगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी फर्म की सेम ही रहने वाली है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको ध्यान में यही आता है हमेशा जब भी आप एनओआई अप्रोच को करते हो कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो तो बढ़ रही है ना। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ेगी एमएम अप्रोच में, उसका रीजन क्या है? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्वेट किया गया है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से। इसका मतलब जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो रिस्क फ्री रहेगी, किसी प्रकार के रिस्क नहीं फेस करना शेयर होल्डर्स को। और दूसरा प्रीमियम फॉर द फाइनेंशियल रिस्क। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्क के कारण वो डिमांड करते थे हायर रेट ऑफ रिटर्न की, यहाँ पर उनको पहले ही प्रीमियम दी जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगी। अब ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट है जो डिफरेंशिएट करता है एनओआई अप्रोच को एमएम अप्रोच से, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रीमियम फॉर द फाइनेंशियल रिस्क। एक तो ये बात होगी, दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% थी। क्यों थी? ताकि जो जितनी भी अर्निंग फर्म है वो अपने पास ना रख के वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ डिविडेंड दे दे, ठीक है, ताकि वो ये फाइनेंशियल रिस्क फेस ना करे। यही कारण है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं इंक्रीज होगी, बल्कि वो इंक्रीज ना होके कम होगी। तो जो एनओआई अप्रोच बोल रहा था कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफसेट्स द एडवांटेज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो हम चीपर सोर्स मान के डेट को यूज कर रहे थे उसको उसका एडवांटेज तो ऑफसेट हो रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इंक्रीज होने के कारण। लेकिन यहां पर एमएम अप्रोच में कहा गया है कि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ डेट, डेट को बढ़ाने के बावजूद भी जो कॉस्ट ऑफ डेट तो बढ़ेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा, उसका रीजन फाइनेंशियल रिस्क है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो रही है, तो एक सिचुएशन ऐसी आने वाली है जहां पर वो आपस में क्या हो जाएगी, इंटरैक्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेट के बढ़ने से और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कम होने से जब वो आपस में लिंक होगा तो आ जाएगी कौन सी स्टेज, इक्विलिब्रियम की स्टेज। और वही इक्विलिब्रियम की स्टेज एमएम अप्रोच एक्सप्लेन करता है। एमएम अप्रोच इसके जस्टिफिकेशन देता है, इसका बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है। वो कैसे देता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस अब याद रखना कि जो प्रॉब्लम हम एनओआई में फेस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की इंक्रीज होने की, वो यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगी।
इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट होने वाली है एट एनी डिग्री ऑफ द लिवरेज, किसी भी डिग्री पर लिवरेज को बढ़ाया जाए वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अब इसका बिहेवियरल जस्टिफिकेशन कौन देता है, वो देता है द आर्बिट्रेज प्रोसेस। एमएम अप्रोच अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर जो जिसके कारण ये एमएम अप्रोच है विच इज आर्बिट्रेज प्रोसेस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट में पूछा जाए और चाहे वो लॉन्ग में भी पूछा जाए। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसकी बिहेवियरल जस्टिफिकेशन फॉर इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लाइज इन आर्बिट्रेज प्रोसेस। अभी आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, अगर हम इसको जर्नल लैंग्वेज में पढ़ें, इसका नॉर्मल मीनिंग देखें, तो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, इट मींस बाइंग द एसेट्स इन वन मार्केट एट लोअर प्राइस एंड सेल द सेम इन अनदर मार्केट एट हायर प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। देखो मार्केट ए, मार्केट ए में जहां पर जो एसेट्स और सिक्योरिटीज के प्राइस क्या है, कम है, वहां से इन्वेस्टर्स उसको बाय कर लेंगे, ठीक है, वहां से बाय करा और उस मार्केट में जाके उसको सेल करा जहां पर उस सिक्योरिटीज या उन एसेट्स के प्राइस क्या हो, हायर हो। ये अगर हम इसको बहुत ही जर्नल व्यू पॉइंट से देखें, तो आप मान लो कि एक शॉपकीपर और कस्टमर, शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर से कम प्राइजेस में प्रोडक्ट खरीद के लेके आता है और कस्टमर को हायर प्राइस में बेच देता है, वही काम यहाँ पर है। एक मार्केट जहाँ पर इसका प्राइस कम है वहाँ से खरीदा और उस मार्केट में जाके उसको सेल करा जहाँ पर उसका प्राइस क्या हो, हायर हो, उसी को ही कहा जाता है आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस इस थ्योरी को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, वो हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। दिस सिचुएशन और एक्टिविटी इंक्रीज द प्राइस इन द मार्केट वेयर इट इज लो ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड। यानी कि जिस मार्केट में वो प्राइस कम था वहां पर डिमांड बढ़ा दी उन सिक्योरिटीज की, क्योंकि वहां पे कम प्राइस है तो वहां पे लोग ज्यादा गए खरीदने के लिए और डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और एंड डिक्रीज द प्राइजेस इन द मार्केट वेयर इट इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज सप्लाई। और वहां पर जहां पर उसके प्राइस ज्यादा थे वहां पे प्राइस कम हो रहे हैं क्योंकि वहां पे सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि वहां पे हम जबरदस्ती बेच रहे हैं सिक्योरिटीज को, तो ज्यादा सिक्योरिटीज वहां आ गई तो उसके प्राइस अल्टीमेटली कम हो गए। ये एक नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का केस है, जहां पे ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और जहां पे सप्लाई ज्यादा हो रही है वहां पे प्राइस कम हो जाएंगे। तो वही इस प्रोसेस में किया गया है, जहां पे तो प्रोडक्ट के प्राइस पहले कम थे वहां से खरीदना स्टार्ट हो गया, खरीदते रहे तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उस प्रोडक्ट के उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए कि ये तो बहुत डिमांड में चल रहा है, प्राइस भी बढ़ा देते हैं। वहीं पर दूसरी साइड जहां पर वो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता था वहां पे बेचना स्टार्ट हो गए, बेचते जा रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो गई तो वहां पे प्राइजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू यहां पर ये माना गया है कि ये प्रोसेस है जो फर्म्स को आइडेंटिकल कर देता है। इसको हम और अच्छे से अब समझेंगे अपने इस थ्योरी के टर्म्स में समझने वाले हैं कि यहां पर काम कैसे करती है। देखो द टू होमोजीनियस फर्म विच आर नॉट सिमिलर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल बिकम सेम ड्यू टू द आर्बिट्रेज प्रोसेस। यहां पर उन फर्म की बात की गई है जो हर तरीके से होमोजीनियस है, रिस्क के परसेप्शन में होमोजीनियस है, डेट इक्विटी जो मतलब डिविडेंड पे करने का प्रोसेस है उसमें सिमिलर है, यानी कि हर चीज में सिमिलर होने के बावजूद भी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में वो क्या हो रही है, डिफर कर रही है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू वो ज्यादा देर डिफर कर नहीं सकती, वो एक समय पे आइडेंटिकल हो जाएगी और उसका कारण आर्बिट्रेज प्रोसेस है। कैसे,
हम लेते हैं, देखो एक अंडर वैल्यूड फर्म है, अंडर वैल्यूड फर्म जहां पर प्रोडक्ट या फिर सिक्योरिटीज या जो भी सिक्योरिटीज हैं उनका प्राइजेस क्या है, बहुत ही कम है। और एक ओवर वैल्यूड फर्म है जहां पर प्राइजेस क्या है, हायर है। अब जहां पर कम है, तो अगर कम चीज का प्रोडक्ट होगा तो हम उसको परचेस करेंगे ना, तो ऐसे ही जहां पर कम प्राइजेस थे वहां पर बाइंग होनी स्टार्ट हो गई, सिक्योरिटीज को खरीदा जा रहा था, जिससे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई वहां पे, ठीक है। और वो सिक्योरिटीज वहां पे सेल की जा रही हैं जहां पे क्या है, हायर प्राइस। अब आप देखोगे कि इस मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा दाम पर प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना प्रोडक्ट वहीं पर ही बेचना चाहेंगे, तो वो सिक्योरिटीज वहां पर सेल कर दी गई, जिससे वहां पर सप्लाई ज्यादा हो गई। यहाँ पर डिमांड बढ़ने से प्राइस भी क्या हो गए, बढ़ गए, और यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होने से प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर प्राइस बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर प्राइस कम होते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आ जाएगी, यानी कि दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यही बोलता है आर्बिट्रेज प्रोसेस, कि द आर्बिट्रेज प्रोसेस इंश्योर्स दैट द सिक्योरिटीज ऑफ टू आइडेंटिकल फर्म कैनॉट सेल एट डिफरेंट प्राइजेस फॉर अ लॉन्ग। कि अगर फर्म आइडेंटिकल हैं तो वो काफी देर तक अलग अलग प्राइजेस पर सिक्योरिटीज बेच नहीं सकती। आप एक नॉर्मल अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो आगे काफी सारी मान लो रेडीमेड जो क्लोथ्स हैं उनकी क्या है, शॉप्स हैं, इकट्ठा ही हैं तीन चार। तो अगर एक शॉप वो क्लोथ 200 में दे रहा है तो दूसरा उसको 150 में नहीं देगा, क्योंकि अगर वो 150 में देगा तो बहुत सारे लोग वहां चले जाएंगे, तो जो 200 देने वाला है फिर वो भी, उसको भी अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। तो अगर वो आइडेंटिकल फर्म्स हैं तो वो काफी देर तक अपने प्राइजेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, एक समय के बाद वो आइडेंटिकल आ ही जाएगी। यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें एक बात और एडिशनल है कि इन ऑर्डर टू बाय द शेयर्स ऑफ अंडर वैल्यूड फर्म, कई बार क्या होता है कि अंडर वैल्यूड फर्म जहां पर प्राइस कम है वहां पर वो सिक्योरिटीज को, उन शेयर्स को परचेज करने के लिए कई बार इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ता है, एडिशनल फंड लेना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो फर्म के पास हो ही या इन्वेस्टर्स के पास उतना पैसा हो, वो एडिशनली भी क्या करेगा, फंड्स को रेज करेगा पर्सनली। और जब फंड्स को पर्सनली रेज किया जाता है तो उसे कहा जाता है पर्सनल लीवरेज और होममेड लीवरेज। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो इसी में, इसके अंडर आता है। और जब आप न्यूमेरिकल पार्ट भी करोगे तो ये चीज भी यहाँ पर आएगी कि कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स को अलग से फंड्स को रेज करना पड़ता है पर्सनली, और जब वो पर्सनली फंड को रेज करेगा तो उसे पर्सनल लीवरेज और होममेड लीवरेज कहा जाता है। तो लास्ट में हम इस आर्बिट्रेज प्रोसेस को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टू फर्म्स हैं, अगेन टू फर्म्स हैं, वैसे वो आइडेंटिकल तो हैं लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में वो आइडेंटिकल नहीं है। एक फर्म लीवर्ड फर्म है, यानी कि लीवरेज रेज करती है डेट के थ्रू, और वहीं पर वाई अनलीवर्ड फर्म है, यानी कि वो इक्विटी इश्यूज करती है, यानी कि वाई इक्विटी फर्म है और एक्स एक डेट फर्म है। तो एक्स की, क्योंकि ये डेट फर्म है तो यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, हायर रहेगी एज कंपेयर टू द वाई। वाई की वैल्यू से जो एक्स की वैल्यू ऑफ फर्म है वो हायर रहेगी। और हायर क्यों रहेगी, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी एक्सप्लेन करा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की आपको शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन एक कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी किया है। तो ये नॉर्मल सी बात है जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में है कि क्यों जो डेट वाली फर्म होती है उनका वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहता है, हायर रहता है। अब अगर यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म हाई है तो इन्वेस्टर्स ऑफ फर्म एक्स विल सेल देयर शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइस क्या है, कम है। तो यहाँ से क्या करेगी इन्वेस्टर्स, यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो क्या कर देगी, सेल कर देगी
एंड विल बाय द शेयर्स ऑफ Y हू शेयर्स आर अंडरवैल्यूड, जिसके प्राइजेस कम हैं वहां से क्या करेगी, परचेज करेगी, और जिसके प्राइस ज्यादा है वहां पे क्या कर देगी, सेल कर देगी। यानी कि जो एक्स वाली फर्म है वहां पे सारे शेयर्स सेल किए जा रहे हैं, और कहां से बाय किए जा रहे हैं, वाई फर्म से। तो एक समय आने पर क्या होने वाला है, जो एक्स फर्म है उसके प्राइस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, वहां पर शेयर्स को सेल किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर वाई में वहां पे डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, और डिमांड बढ़ने के कारण उनके प्राइजेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसे आने वाली है जो आपस में क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, और इट इज ड्यू टू द आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो इसके साथ ही MM अप्रोच का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप न्यूमेरिकल का पोर्शन चाहते हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, तभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बना के दूंगी। पर इसके साथ ही ये MM अप्रोच और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।